नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो 30,300 का कॉल शॉर्ट किया है और 225 क्वांटिटी मतलब लगभग 9 लॉट शॉर्ट किए एट द प्राइस ऑफ 155, जिसका स्टॉप लॉस लगाया है 161.75 और टारगेट 22 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं मार्केट में कैसे मार्केट फॉल कैसे होता है, उस हिसाब से अपना टारगेट मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी प्रॉफिट देख सकते हो 10,000-11,000 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा है दोस्तों, मोर देन 10,000 का एम रहेगा और नेक्स्ट हमारा जो आप टारगेट रहेगा वो 16,000-18,000 के आसपास हम लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं पहले क्या होता है। सुबह हमने 30,000 का कॉल शॉर्ट किया था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसमें लॉस हुआ था 3,200 का। दूसरी बार मैंने 30,200 का कॉल शॉर्ट करने की कोशिश की थी, उसमें स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट के आसपास आके लगाया था और वो हिट हो गया, उसके कारण मेरा 470 का रुपए का लॉस हो गया। तो कुल मिला के ऊपर देख सकते हो 3,600-700 के आसपास लॉस हो चुका है। और उसके बाद मैंने थर्ड जो ट्रेड लिया है 30,300 का, उसमें कुल मिला के 14,000-15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और ओवरऑल करके नीचे 10,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों। अभी 9,800 हो चुका है, तो जैसे भी 10,000 के मोर प्रॉफिट दिखेगा, मोर देन 10,000, तो हम प्रॉफिट अपना बुक करेंगे दोस्तों। मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है दोस्तों, अभी 20 पॉइंट का फॉल आ चुका है। मैं ये चीज अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो खत्म होने के बाद, बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद, कि मैंने क्यों यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। शायद मुझे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मार्केट ऑर्डर में भी निकल जाएंगे। तो अभी तक आपने हमारा वीडियो मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आपकी जो भी कोई क्यूरीज है वो पूछने के लिए आप हमें इंस्टा हैंडल पे फॉलो करके वहाँ पे डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो अभी 9,200-9,100 के आसपास टोटल MTM में प्रॉफिट नीचे दिखा रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक जा सकता है क्योंकि मेरे फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहे जिस बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ। तो देख सकते हो अभी 97, 98, 96 के आसपास वो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है जो हमने 155 के आसपास शॉर्ट किया था। तो वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ रही है दोस्तों, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट बुक करूँ। चलिए स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, मार्केट में ही निकल जाएंगे, कोई टारगेट नहीं रखेंगे। अभी 11,000 दिख रहा है, 11,200, 400-500 यहाँ से ड्रॉडाउन हो सकता है। चलिए मैं यहाँ पे बाय का बटन दबाने की कोशिश करता हूँ। चलिए पोजीशन कवर करते हैं दोस्तों, मार्केट में मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ स्क्रीन पे, वोलेटिलिटी थोड़ी देखते हैं। चलिए प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं 10,700 के आसपास, पहले स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों निकाल लेते हैं, उसके बाद बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और लॉजिक एक्सप्लेन पूरी तरह से करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अभी हमारा ट्रेड खत्म हो चुका है, लॉजिक के लिए निफ्टी बैंक के स्पॉट के चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलिए बड़ी स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं, वहां पे चीजें समझा दूंगा मैं आपको। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, अभी हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिफ्रेश कर देता हूं, अब आप चीजें समझ सकोगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी स्क्रीन लोडिंग हो रहा है, उसके बाद हम स्पॉट के चार्ट के ऊपर जाएंगे। देख सकते हो 10,700 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है, ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। सुबह से हमने कुल मिला के 3 ट्रेड लिए थे। सबसे पहले 30,000 का कॉल हमने शॉर्ट करने की कोशिश की थी, उसमें 3,200 का लॉस हुआ था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद 30,200 का कॉल शॉर्ट करने की कोशिश की थी और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट के ऊपर लेके आ चुके थे, उसमें भी हमें 400 के आसपास लॉस हो चुका था। और आखिरी का जो ट्रेड लिया था 30,300 का, वो 155 के कॉस्ट के अराउंड 10:30 बजे के आसपास ट्रेड लिया था और 1:21 के आसपास कवर कर लिया था। चलिए तो ये ट्रेड लेने के पीछे कौन सा लॉजिक था ये बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी सारी चीजों को आप समझ सकोगे। तो चलते हैं निफ्टी बैंक के स्पॉट के चार्ट के ऊपर, और सबसे पहले टाइम और डेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी 2:45 बज चुके हैं, 2:42 PM हो चुके हैं और 24 December आज का डेट है। तो मैं क्यों कॉल शॉर्ट करने के ऊपर था, मेरा क्यों व्यू था कि मार्केट नीचे आना चाहिए, ये भी चीज़ मैं सबसे पहले बता देता हूँ। कि देख सकते हो ये डाउनफॉल जो आ चुका था 2 दिन पहले, तो मार्केट ने एक थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज कर लिया था दोस्तों। तो हो सकता था कि ये जो प्रॉफिट मतलब ये जो क्लोजिंग प्राइस था, देख सकते हो कौन सा क्लोजिंग प्राइस था, 29,800 के आसपास, और मार्केट ओपन हुआ 30,000 के अराउंड, मतलब 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। कितने पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ मार्केट दोस्तों, 200 पॉइंट का, मतलब किसी को ओवरनाइट 200-150 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मोर देन 90% टाइम होता है कि प्रॉफिट बुक होता है दोस्तों वहाँ पे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर किसी को ओवरनाइट प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस सिनेरियो में मतलब आज के दिन में ऐसा नहीं हुआ। आज ने मार्केट ने थोड़ा सबके साथ देख सकते हो मतलब सभी के साथ हुआ रहेगा आज, अगर आपने ट्रेड किया हो तो आपको पता भी होगा। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें हटाओ। ओके, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 10:20 मतलब 10
28 का मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन से जगह पे ट्रेड लिया था और क्यों लिया था। ओके, तो हम यहाँ से यही ले लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो 1028 का ये कैंडल है, 1028 का, ठीक है, ये वाला कैंडल। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए हम सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि मैं मार्केट के ऊपर थोड़ा बेरिश था, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, अभी भी मार्केट देख सकते हो अभी 30,500 का लेवल होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके चीजें बता देता हूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच में मतलब जो हुआ है वो क्या था लॉजिक। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए मार्केट हायर हाई बनाता चला जा रहा था, सुबह से हायर हाई पैटर्न बनाता अपना जा रहा था, और एक समय ऐसा है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे ऊपर नहीं गया, मार्केट ने ये प्राइस एक्शन बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो जो नए ट्रेडर है ये प्राइस एक्शन ब्रेक होने के बाद ट्रेड ले सकते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन मैंने क्या किया था, 1028 की कैंडल देख सकते हैं, ये 1028 की कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल। तो यहाँ पे मैंने अपना 30,300 का कॉल शॉर्ट किया था, और उसके बाद मैंने वेट किया कि ये कब नीचे चला जाए। तो देख सकते हो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें दिखा देता हूं आपको। एक टाइम ऐसा है कि इसने एक प्राइस एक्शन बना के 20-25 पॉइंट का फॉल किया था, अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो में बताया था कि 20-25 पॉइंट का फॉल आ चुका है। तो ये वाला पॉइंट था कि मार्केट ने 20-25 पॉइंट का फॉल तुरंत कर दिया था दोस्तों, तो वो भी सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड होकर फॉल किया था, उसके बाद क्या हुआ, इसने एक लो बनाया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एक लो बनाया था। और हमारा बाइंग प्राइस भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो हमने मतलब जो शॉर्ट पोजिशन की थी उसको कवर कब किया, ये भी टाइमिंग दिखा देता हूँ। 1:21 के आसपास हमने कवर कर लिया था, तो वो टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे आता है, 1:21, ये वाला कैंडल आ जाता है दोस्तों। कौन सा वाला, ये वाला कैंडल। तो देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए 1 मिनट भी लेट हो जाता तो मेरा SL भी चला जाता, और ये देखिए कहाँ तक मार्केट गए, पूरा 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया। क्यों मुझे लगा कि मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है, मैंने पहले भी बताया था कि मुझे लग रहा है बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि ये जो फॉल हुआ था ये मोर देन मतलब यहाँ पे देख सकते हो कितना पॉइंट का फॉल हो चुका था, मोर देन 100 पॉइंट का फॉल हो चुका था सडनली। उसके बाद प्राइस ऊपर गए और कंसोलिडेशन किया, ये कंसोलिडेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कंसोलिडेट कभी नहीं करते बैठता, क्योंकि यहाँ पे जाता और सीधा चला जाता, लेकिन ऐसे नहीं किया। ये कंसोलिडेशन जो था इसने मेरे मन में एक शंका पैदा कर दी कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है। तो जैसे मुझे चांस मिला तो मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप की, प्रॉफिट बुक किया और ऊपर चला गया मार्केट, देख सकते हो कितना ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें थी आज की वीडियो के पीछे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियोस ऐसे आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और टेलीग्राम के साथ भी जरूर जुड़ेगा, जो तो दोस्तों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को यहाँ तक एंड कर देते हैं दोस्तों।